कासगंज में शहीद हुए सिपाही देवेंद्र सिंह को पूरे राजकीय सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आगरा जोन के एडीजी अजय आनंद, कासगंज के एसपी मनोज सोनकर और डीएम समेत तमाम अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो सिपाही देवेंद्र जो कि इस घटना के दौरान उनकी मौत हो गई। आपको बता दें, शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए सिपाही देवेंद्र और दारोगा मौके पर पहुंचे थे। शराब माफियाओं के हमले में सिपाही देवेंद्र सिंह की मौत हो गई। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उत्तर प्रदेश के कासगंज में हमला मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कासगंज के मुख्य आरोपी मोती धीमर के भाई को मुठभेड़ में मार गिराया। खबर के मुताबिक मोती के भाई आरोपी अलकार सिंह को पुलिस ने ढेर कर दिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश हो रही है। कासगंज में पुलिस टीम पर हुए हमले में एक सिपाही की मौत हो गई, जबकि एक दारोगा गंभीर रूप से जख्मी हुए। बताया गया कि दोनों वहां के नगला धीमर गांव में अवैध शराब के कारोबार की सूचना पर कार्रवाई के लिए गए थे, तभी शराब माफिया ने उन्हें बंधक बनाकर उनकी पिटाई कर दी। पुलिस वाले जब थाने नहीं पहुंचे तो रात के अंधेरे में टॉर्च की मदद से पुलिस वाले गायब हुए अपने साथियों को खोजने लगे। पुलिस टीम को दारोगा जख्मी हालत में मिले, जबकि सिपाही तब तक दम तोड़ चुका था, जिसे पुलिस वाले अपने कंधों पर उठाकर वहां से ले गए। तो सिपाही की हत्या शराब माफियाओं ने की। एक आरोपी अलकार सिंह को हालांकि ढेर कर दिया गया, लेकिन बाकियों की तलाश जारी है। गांव वालों ने और उस मोती धीमर और उसके भाई अलकार ने पुलिस टीम पर अपने साथियों के साथ हमला कर दिया, जिसमें हमारा जवान शहीद हो गया और दरोगा जी काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सूचना पे तत्काल एसपी वहाँ मौके पे पहुँचे और रात में ही हम लोगों ने कॉम्बिंग की और कॉम्बिंग के दौरान एक पुलिस मुठभेड़ हो गई, जिसमें एलगार जो नामजद अभियुक्त है वो घायल हुआ, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। अन्य जो अपराधी हैं उसकी सभी की तलाश चल रही है। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अजेंद्र शर्मा कासगंज से हमारे साथ, आरिफ खान मृतक देवेंद्र के घर से लाइव हैं। सबसे पहले अजेंद्र, आपके पास, आप क्योंकि वहां पर मौजूद हैं जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया, जरा दिखाइए वहां पर तस्वीरें। पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है? 12 टीमें खोज कहां कहां रही हैं आरोपियों को? गायत्री, मैं आपको बता दूं, अभी 12 टीमें लगातार उसको खोज रही हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका है, क्योंकि वो मुख्य आरोपी है और वो बड़ा साथी है। उस पर 11 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और शराब माफिया बताया जाता है, लगातार वो कच्ची शराब का काम करता था। उसके बाद लगातार पुलिस उसको जब पकड़ने गई थी तो उसने पुलिस वालों पर हमला कर दिया, उनको बंधक बना लिया, जिसमें एक दरोगा जो गंभीर घायल हुए हैं, वहीं एक सिपाही शहीद हुआ है। फिलहाल जो है शहीद सिपाही के परिजनों ने जो है 50 लाख की जो है मुआवजा दिए जाने की घोषणा की है। वहीं उनके परिवार को एक व्यक्ति को नौकरी देने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। आज उसके पोस्टमार्टम के बाद जो है सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनको जो सम्मान दिया गया, या एडीजी मौजूद रहे। फिलहाल जो है लगातार टीमें गश्त कर रही हैं, ढूंढ रही हैं, लेकिन अभी तक रात बीत गई है, पूरा दिन बीतने जा रहा है, लेकिन पुलिस अभी तक मुख्य आरोपी मोती तक नहीं पहुंच पाई है। जी, आरिफ खान भी हमारे साथ हैं शहीद के घर पर। आरिफ, क्या कह रहा है परिवार, घर में और कौन कौन है? देखिए, इस परिवार में शहीद देवेंद्र की पत्नी है, दो बेटियां हैं और एक बहन है, यानी यूं कह सकते हैं बहुत छोटा सा परिवार है और उस परिवार का एक ही कमाऊ बेटा था जिसकी हत्या कर दी गई है। देखिए, गांव वाले साफ तौर पर कह रहे हैं जिस हिसाब से जो कुकृत किया गया, जिस हिसाब से दुस्साहसिक वारदात की गई थी और पुलिस ने एनकाउंटर में एक आदमी को मार गिराया, घर वाले साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी है मोती, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और देखिए गरिमा, साफ तौर पर सब लोग कह रहे हैं कि बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो शायद पुलिस के इतिहास में नजीर बने। तो कुल मिलाकर यह है कि गांव के लोग, परिवार के लोग और रिश्तेदार साफ तौर पर बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ा कार्रवाई हो। जी, लौटेंगे आपके पास। सिपाही देवेंद्र जसावत के पिता कासगंज के पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे, जहां उनका पोस्टमार्टम हुआ है। डीएम ने सिपाही के पिता से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। शहीद सिपाही देवेंद्र जसावत ने 2015 में यूपी पुलिस में कांस्टेबल पद पर ज्वाइन किया था। देवेंद्र अपने पिता के इकलौते बेटे थे। देवेंद्र के पिता महावीर सिंह किसान हैं। घटना की खबर मिलते ही पिता रात में ही रिश्तेदार के साथ कासगंज रवाना हो गए थे। शहीद हुआ है, उसकी तो मान लो बदला लेना चाहिए। कब भर्ती हुआ था उसकी? 15 में शादी।
शादी वही है 17 में। अतः भाई ने फोन लगाया मेरे लिए, भानी पापा जी क्या कर रहे हो? मैं जो मेरे बेटा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पानी गेहूँ में देख नीचू हो गया हूँ मैं, और तो कुछ नहीं, मैं बैठा हूँ। ये तो आलू फालू कब खुदेंगे, कैसे का है, आलू की खेती के बारे में पूछ रहे हो। सिपाही देवेंद्र जसावत का घर आगरा में है, उनके शहीद होने की खबर मिलते ही गांव में मातम पसर गया। बड़ी संख्या में गांव के लोग जमा हो गए और सिपाही के रिश्तेदारों को संभाला गया। देवेंद्र की 2017 में शादी हुई थी, उनकी दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी वैष्णवी 3 साल की है, जबकि छोटी बेटी 4 महीने की है। बड़ी बेटी घर पर जमा लोगों की वजह समझ नहीं पा रही है, उसे तो अपने पापा का इंतजार है। फास्ट में शराब माफियाओं ने जिस तरह से पुलिस कर्मियों पर हमला किया था, उसमें एक सिपाही की शहादत हुई है। जो सिपाही शहीद हुआ है वो आगरा का रहने वाला था, और इस वक्त हम उसी शहीद सिपाही के घर के बाहर खड़े हैं, और ठीक पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं, ये वो घर है जो शहीद देवेंद्र सिंह का घर है, और इसके बाहर तमाम लोगों की भीड़ लगी हुई है। पास पड़ोस के लोग, रिश्तेदार लोग यहाँ आए हुए हैं, शोक संवेदना व्यक्त करने आए हैं, ताकि उनका दुख जो है परिवार का उसको शेयर कर सके। लेकिन जिस तरह से वारदात हुई है, बड़ी जघन्य वारदात है। हालांकि इस मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, और साफ तौर पर कहा है कि जो भी इस पूरे कांड के दोषी है उन पर सख्त और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरिफ, इकलौते कमाने वाले थे देवेंद्र, परिवार से आपने बात की होगी, कोई पहुंचा है क्या प्रशासन की तरफ से उनसे मिलने के लिए, उनसे हालचाल जानने के लिए, क्योंकि सीएम की तरफ से साफ तौर पर मदद का ऐलान किया गया है, कौन पहुंचा उनसे मिलने के लिए? देखिए, बिल्कुल गायत्री, जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदद का जो आश्वासन दिया है, उस लिहाज से प्रशासनिक तमाम अधिकारियां मौजूद हैं, पुलिस के आला अधिकारियां पहुंच गए हैं, और चूंकि अंतिम संस्कार थोड़ी देर बाद होगा, लिहाजा जिस हिसाब से जो प्रोटोकॉल होता है शहीद का, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार भी थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा। तो लगातार संपर्क में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी लगातार परिवार के संपर्क में, और तमाम तरह की जो बातें कह रहे हैं कि कोई दिक्कत आएगी तो सीधे प्रशासन के लोगों से संपर्क करें, जो पुलिस के आला अधिकारी उनसे संपर्क करें। तो कुल मिलाकर यह है कि जिस हिसाब से सरकार एक्शन में है, प्रशासन भी एक्शन में है, पुलिस भी एक्शन में है। लेकिन देखिए गायत्री, फिल्म में कह रहा हूँ कि ये बड़ा सवाल पुलिस के ऊपर है, जिस हिसाब से जो मुख्य आरोपी है वो फरार है, अगर उसके खिलाफ बड़ा एक्शन होता है, क्योंकि परिवार के लोग मांग कर रहे हैं कि जो मोती मुख्य आरोपी है उसके खिलाफ बड़ा एक्शन होना चाहिए, और इसकी लगातार मांग भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि जब तक मोती की गिरफ्तारी नहीं होगी या मोती के खिलाफ बड़ा एक्शन नहीं होगा, तब तक घर वालों की जो नाराजगी है वो शायद थोड़ी बहुत जायज रहेगी। लेकिन हालांकि सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि कोई भी आरोपी हो, जो भी इतने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। जी गायत्री, लौटेंगे आरिफ। इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कासगंज में पुलिस वालों पर हमला और एक सिपाही की पीट पीट कर हत्या कर दिए जाने के